सो गाइस, आपने डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो देखी होंगी. आपने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन देखी होगी, आपने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन देखी होगी, आपने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन देखी होगी. आपने डिफरेंट इफेक्ट्स पढ़े होंगे कि कोरोना इफेक्ट हो रहा है, स्किन इफेक्ट हो रहा है. बट आज की इस वीडियो में गाइस, हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फेरेंट इफेक्ट इन अवर ट्रांसमिशन लाइन. कंप्लीट डिटेल में गाइस, मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा कि फेरेंट इफेक्ट क्या होता है, ये किस वजह से होता है और ये कैसे रिड्यूस होता है. आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली गाइज, आपने देखा होगा कि जो भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो ट्रांसमिट की जाती है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, या आप कह सकते हो कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई जनरेटिंग स्टेशन दिल्ली में है, उसके थ्रू गाइज आपने जो है गुजरात में जो है एक एनर्जी को ट्रांसमिट करा विद द हेल्प ऑफ टावर्स. तो गाइज, ये जो ट्रांसमिशन लाइन हमने एक जनरेट करी, क्रिएट करी दो स्टेट्स के बीच में, तो गाइज इसका एक होता है हमारा सेंडिंग एंड, जहाँ से फॉर एग्जाम्पल दिल्ली आपका सेंडिंग एंड हो गया, जहाँ पर हमें भेजनी है वो हो गया उसका रिसीविंग एंड. अगर रिसीविंग एंड की गाइज वोल्टेज जो है सेंडिंग एंड की वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है, तो इसी इफेक्ट को गाइज हम अपने ट्रांसमिशन लाइन में अपने पावर सिस्टम के अंदर कंसिडर करते हैं गाइज फेरेंट इफेक्ट. तो फेरेंट इफेक्ट गाइज कुछ नहीं है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि सेंडिंग एंड की जो वोल्टेज है आपके ट्रांसमिशन लाइन की वो ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू उसकी सेंडिंग एंड, रिसीविंग एंड की वोल्टेज ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू सेंडिंग एंड. तो गाइज ये जो इफेक्ट है ये किस वजह से आता है, अब हम इसको इसको देखते हैं. तो गाइज क्या होता है कि जो भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिट की जा रही है, एक कंडक्टर है, तो गाइज कंडक्टर होता है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन का, कुछ ना कुछ उसका इंडक्टेंस भी होता है, और गाइज कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस भी होता है. अब कैपेसिटेंस कैसे होता है, क्योंकि गाइज कोई वायर है, हमें पता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर इंडक्टेंस तो हर चीज में है, बट कैपेसिटेंस कैसे आ रहा है हमारी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, हम इसको देखते हैं. तो गाइस क्या होता है कि जो भी हमारी लाइन ट्रांसमिट की जा रही है ये थ्री फेज के अंदर की जाती है, और तीनों फेज का जो है गाइस इक्वल डिस्टेंस जो है वो रखा जाता है. मींस आपका एक फेज ये जा रहा है, सेकंड फेज ये जा रहा है, तीसरा फेज ये जा रहा है, तो इनके बीच में गाइस एक इक्वल डिस्टेंस है. अब जब गाइस वो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, उनके ऊपर उनके बीच में एक इक्वल डिस्टेंस है, उनके बीच में एयर है, तो गाइस वो एयर जो है वो एक्ट करती है आपके जो है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और उसके ऊपर गाइस एक दो आप कह सकते हो कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, तो एक कैपेसिटर जो है गाइस इमेजिनरी कैपेसिटर वहां पे फॉर्म होता है आपके. अब ट्रांसमिशन लाइन का गाइस रेजिस्टेंस भी हो गया, आपका इंडक्टेंस भी होता है आपके ट्रांसमिशन लाइन का, और एक इमेजिनरी कैपेसिटेंस होता है. अब ये जो आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस था ये तो सीरीज में था, और एक इमेजिनरी कैपेसिटर आपका जो है था आपका कह सकते हो कि पैरेलल में है दो कंडक्टर्स के. तो जब ये जो आपका इमेजिनरी कैपेसिटर है, एक हाई करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इस कैपेसिटर की तरह जब ये एक्ट करता है, तो इस क्या होता है यहाँ पर जो है हमारे करंट का जो है वो ड्रॉप होता है. जैसे ही गाइस हमारा जो करंट है रिड्यूस होता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू में वोल्टेज इनटू में करंट. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारी जो रिसीविंग एंड की जो वोल्टेज है वो गाइस इंक्रीज हो जाती है. तो गाइस ये रीजन है कि हमारी जो रिसीविंग एंड की जो वोल्टेज है वो किस वजह से इंक्रीज हो रही है. तो गाइस ये जो हमारा इमेजिनरी कैपेसिटर है गाइस, इसका इफेक्ट आता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन पर, जिसकी वजह से जो हमारी सेंडिंग एंड की वोल्टेज है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू अपनी रिसीविंग एंड. सो गाइस जो फाना फेरेंट इफेक्ट है, इसकी वजह से गाइस हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन में एक लॉस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो करंट है हमारे ट्रांसमिशन लाइन का वो रिड्यूस हो जाता है. ये जो करंट ड्रॉप आता है ड्यू टू एक इमेजिनरी कैपेसिटर, दो जो आपकी लाइंस थी उनके बीच में जो एक कैपेसिटर जनरेट हो रहा है, इनकी वजह से गाइस जो हमारा ओवरऑल करंट है हमारी ट्रांसमिशन लाइन का जो हम सेंड करना चाह रहे हैं वो सेंड नहीं हो पाता. सो गाइस जो भी हमारा फेरेंट इफेक्ट था हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि हम इस इफेक्ट को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं. तो गाइस रिड्यूस करने के लिए जो भी हमारे सबस्टेशन हैं, जो भी हमारे रिसीविंग सबस्टेशन हैं, वहां पर लगा देते हैं गाइस हम अपना एक संट रिएक्टर. अभी जो संट रिएक्टर है गाइस ये क्या करता है, जो भी आपका इमेजिनरी कैपेसिटर की वजह से करंट का ड्रॉप हुआ था उसे कुछ ना कुछ हद तक कम कर देता है. ये क्या करता है गाइस, उसको जो जो ड्रॉप था उसे कंपेंसेट कर देता है. तो आई होप गाइस आपको जो वीडियो है वो नॉलेजेबल लगी होगी. फिर भी गाइस आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू. Thank you guys.